अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ, अल्लाह पाक सबको अपने अपने घर पे खैरियत से रखे, आमीन। ईद का व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी डेकोरेशन मैंने बच्चों को बताने के लिए घर पे की, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और उनको पता होना चाहिए कि हम मुस्लिम्स अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये छोटी सी लाइटिंग और ये सब करके थोड़ा सा इंटरेस्ट डिवेलप करके बच्चों को थोड़े से गिफ्ट्स दिए, ताकि उनका इंटरेस्ट इस तरफ आए कि हम लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने मेहंदी लगवाई है पार्लर से जाके, बहुत मुश्किल से, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था, बच्चे छोटे हो तो आपको भी पता है, आप रिलेट कर सकते हो जो मदर्स हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों की टेक केयर की और मैंने जाके थोड़ी सी वाइट मेहंदी और थोड़ी सी ये दूसरी मेहंदी लगवाई। उसके बाद हम खाना खाने चले गए। खाना खा के हम लोग घर आए, क्योंकि सुबह ईद थी तो मुझे पता था कि काफ़ी काम होंगे वो करने थे। फ्रेंड्स की तरफ जाना था, होटल की बुकिंग थी, क्योंकि मैं सारी मेरी प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को वहाँ लेके जाओ जो बच्चे इंजॉय करें, क्योंकि हम लोगों ने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में खूब इंजॉय किया। अब ये टाइम है कि हम अपने बच्चों को देखें वो कैसे इंजॉय करते हैं, और वही एक हम लोग की भी इंजॉयमेंट होती है, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मैं हूँ, हम लोग की प्रायोरिटी पहले बच्चे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्ट्रीट्स में हर जगह ईद मुबारक लिखा हुआ था और बच्चों को हम लोग स्पेशली मेंशन कर रहे थे कि वो देखो वो ईद मुबारक लिखा हुआ है। सो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। सुबह के टाइम हमने नमाज पढ़ ली थी, हस्बैंड मेरे मस्जिद गए, लेकिन मैं बच्चों के साथ मस्जिद नहीं जा सकी क्योंकि छोटे वाला अभी बहुत तंग करता है। हम लोग होटल एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे दो दिन का स्टे है। ईद मनाई, कज़न से मिले, सबके साथ अच्छा गेट टुगेदर रहा। रूम का व्यू वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी लाइटिंग, गाड़ियाँ, इन्जॉयमेंट, बच्चे देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं। वैसे भी मेरा छोटा बेटा जो है वो लाइटनिंग मैकक्वीन का, ही इज़ द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ लाइटिंग मैकक्वीन। वो तो बस उसकी कलेक्शन है कि मैं किसी दिन उसका रूम शेयर करूँगी आपके साथ। तो नीचे गाड़ियाँ नज़र आती थी तो वो इसी तरह लग रहा था कि जैसे वो ट्रैक्स अपने देख रहा है कि मेरी सारी मेटर और सारे फ्रेंड्स यहीं घूम रहे हैं और यहीं इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपने ट्रैक पर गाड़ियाँ चला रहे हैं। थोड़ा सा विज़िट मैं आपको अपने रूम का करवा रही हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे। सुबह का टाइम है, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद जो जो बच्चों ने खाना था उनको खिलाकर हम लोग अपना रेडी होंगे ईद के लिए। अब हम यहाँ से एप्पल बीज जाएंगे, दोपहर का लंच करेंगे और शाम को मेरी फ्रेंड के घर पे खाना है। काफ़ी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि दूसरों के घर जब सब गेस्ट आए होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे मूवीज़ लो या पिक्चर्स बनाओ। फ्रेंड के घर से आराम से इंजॉय करके लंच करके हम लोग चाय शाय पी के फिर वहाँ से निकले
और हम सब मिलकर इकट्ठे तीन चार गाड़ियों में, शाम का इवनिंग का व्यू है ये बहुत ही प्लेजेंट, सामने वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और आए हैं सामने अबू धाबी आए, ये इसके बाद हम लोग सीधे दुबई के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी जगह हमने कवर की हैं तीन चार दिन में। हम लोग रसल खेमा गए, अजमान गए, काफ़ी ये इवनिंग व्यू वॉज अमेजिंग, बहुत ही प्लेजेंट, और बैठकर चाय लेके सब आपस। के पहले दिन तो काफ़ी थक गए, काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह ईदी दी, काफ़ी जगह ईदी मिली, और उसके बाद अब रात को इतना तो दिल नहीं करा था कुछ खाएं, तो हमने सूप ही पिया। ये वो प्ले एरिया है जहाँ बच्चों ने खूब इन्जॉय किया और खूब ब्लॉक्स भी बनाए और कार्टून्स भी देखे। लेट हो गया था काफ़ी, मगर रूम ऊपर था तो नीचे बच्चे आराम से इन्जॉय कर रहे थे। We can see easily Dubai largest frame, the world's largest frame, which is in Dubai, जिसकी main ये attraction है कि एक side पे old Dubai है, एक side पे new Dubai है। तो वो जब आप visit करते हैं, या जैसे जैसे भी मैं साथ साथ clips share करूँगी आपके साथ सारे, तो उधर आपको पता चलेगा कि एक side बिल्कुल आपको लगेगा हम लोग जैसे पहले Dubai आया करते थे, और ये नया वाला जैसे बुर्ज खलीफा और सब होगा, ओल्ड कह लें आप डेरा दुबई।
वाटर डांस देखा और उसके बाद ये बड़ी अट्रैक्शन थी मुझे इसमें, ये बड़ा कुछ क्रिएटिव बनाया हुआ उन्होंने और ये वाकई हर कोई इसको ज़रूर कैप्चर कर रहा था। इट्स वेरी नाइस, स्पेशली जो इनकी प्रोजेक्शन वर्क है, इट्स अमेजिंग। Now this is the entrance with lots of very pleasant lights, lightning तो बहुत ही ज़बरदस्त थी एंड pleasant of like breeze सा एक वो आपको था smoke में कि आपको coolness सी एक आ रही थी। पुराना सारा इनका culture जो इनकी अपनी वो मेरी स्पेशली ये दादी के पास इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, ये मशीन स्पेशली हम लोग दादी के पास बैठते थे, स्पाइसेस हम लोग जैसे लेते थे, ये सब पुराना सारा टाइम का उनका जो जो उस ज़माने में चीज़ें होती थी, ये इनका एक म्यूज़ियम है जहाँ पे इन्होंने सारा ऐसा अपना हेरिटेज सब कुछ दिखाया हुआ है। इधर की लाइट्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा लग रहा था आप क्लब में एंटर हो रहे हैं। अब ये वो एरिया है जिसमें जिस जिसने यहाँ दुबई फ्रेम को विज़िट किया है उन सब की पिक्चर्स हैं, मेमोरीज हैं, आप जाएं सर्च करें अपनी पिक्चर्स, मगर इतना टाइम तो नहीं था कि हम लोग अपनी पिक्चर यहाँ से सर्च करते, बट ये कुछ डिफरेंट था देखने के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग।
سے ہم نے سوونیئرس لیے دبئی فریم کے، بندو خان میں کھانا کھایا، اور یہ ایک پارٹ میں نے آپ سے اپنا عید کا شیئر کیا ہے۔ ہوپ آپ کو پسند آیا ہو۔ پلیز اگر پسند آیا نا تو آپ نے مجھے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔